आजमगढ़ पमई से बड़ी खबर बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए लगातार भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। समाज सेवी संगठन भी लगातार इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चली, कोरोना की दूसरे लहर में भी भारत कहीं ना कहीं अपनी सक्रियता निभाता रहा, कोरोना को मात देने के लिए अग्रिल रहा। वहीं बता दें कि 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन के लिए युवाओं का भीड़ लगातार हॉस्पिटलों के चक्कर काटने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हॉस्पिटलों के पास युवाओं का एकत्र होना एक चिंता का विषय बन गया। वहां के प्रभारी ने बताया कि युवाओं को एकत्र होने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जो डेट मिलता है उससे उस डेट को आकर वैक्सीनेशन कराएं। आइए देखते हैं पवई से डॉक्टर वशिष्ठ मौर की स्पेशल रिपोर्ट। जी सर, सर्वप्रथम आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी जी। हाँ, आप पवई जिला से बिलोंग करते हैं। हाँ सर, ये कोरोना वैक्सीन के बारे में कुछ विस्तार से बताइए, कैसे क्या। 18 से 44 वाला जो वैक्सीन है उसको पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वो यहीं पवई में लगती है, गांव में नहीं लगती। उनको ऑनलाइन जैसे आप ट्रेन का रिजर्वेशन कराते हैं बर्थ के लिए, उसी तरह उसका रिजर्वेशन जिस दिन डेट मिलेगी उसी दिन आके लगवाएं। और 45 के ऊपर वाले जो मरीज हैं उनको तुरंत आएगा, तुरंत रजिस्ट्रेशन होगा तो लग जाएगा। उसमें अगर कोई रोगी आदमी है जैसे ब्लड प्रेशर का हो, शुगर का हो या कोई और बीमारी, अगर उसकी बीमारी मेंटेन है, उसको उस समय कोई गंभीर रोग नहीं, उस समय वो बीमार नहीं ज़्यादा, अगर वो मेंटेन दवा से है तो उसको भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। या एलर्जी हो, एलर्जी दवा खाते हो, मेंटेन हो, वो भी लग जाएगा। सर, आप ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो वहाँ पे कितना परसेंट रिस्पांस आपको मिलता है, क्या लोग उत्साहित होते हैं टीकाकरण के लिए। कहीं कहीं तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, कहीं पे पूरा पूरा गांव एकदम रेजिस्टेंट रहता, कोई लगवाने को तैयार नहीं होता। क्या आपने रीजन जानने का प्रयास किया। अब वहाँ पे तमाम जो भ्रांतियाँ हैं उसकी जो व्हाट्सएप या ये सब फैली है वही है, अब उसको अपने अनुसार मोटिवेशन करके दूर करते हैं। जितना प्रयास किया जाता है, जो कहीं कोई कोई गाँव में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, जहाँ के प्रधान लोग एक्टिव है वहाँ और अच्छा मिलता है। प्रधान, लेखपाल, पटेदार, आंगनबाड़ी आशा सभी वहाँ पे रहती है, तो वो लोग पहले से उनको सूचना दी रहती है। तो कोई कोई जहाँ पे रेजिस्ट्रेंस होता है पूरा पूरा गांव होता है, या तो बहुत विचार लोग पात्र लगवाएंगे, और अगर वहाँ पे अगर लगवाना भी कर तो भी लगवा लेते हैं, यही है। नहीं तो एकदम एकदम